उत्तर प्रदेश के संभल में इन दिनों कल्कि महोत्सव की धूम है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने 19 फरवरी 2024 को कल्कि मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की है। स्थानीय लोग भी भक्तिपूर्ण माहौल में आनंद विभोर हैं। वहीं महोत्सव के समापन कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा बयान दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना ठीक है, हलाल शब्द का गलत तरह से इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निर्यात करने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं है, हलाल खाने पर भी प्रतिबंध नहीं है। सरकार का अधिकार है कि वो अनाधिकृत इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी राज्यपाल ने कहा कि इससे पूरे देश में खुशी है, इसका स्वागत किया जा रहा है। सर, आज आप संभल आए हैं, कल्कि धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है क्या? मैं पहली दफा नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और शायद उस दिन समापन नहीं था, उद्घाटन था जब आया। जी बिल्कुल, तो तब भी बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा कोई भी ये एक तरह से पर्व है जहाँ पे लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर चेतना इन पर्वों के माध्यम से पैदा होती है और वो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा उसको बढ़ावा देते हैं। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कितने सालों से इसका आयोजन करते हैं, मैं तो बहुत ही बहुत बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूँ इसको। और ये ऐसे मौके हैं जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और फिर आशीर्वाद देने के लिए महाराज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तो इस मौके आचार्य जी ने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आया हूँ और मैं इस पर्व के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो आचार्य जी के जो भी उनकी योजनाएं हैं मंदिर को लेके या यहाँ के विकास को लेके, वो आगे बढ़ेगा। सर, अयोध्या में सर राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें कहने का क्या है, कहने का क्या है, कितने गौरव का। अरे राम, आप पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, लोके नहीं सविद्ये जियो ना राम मनुव्रता। नाम आप चाहे जो दीजिए, आपके सवाल का पूछने का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे जैसे कोई विवाद को आज पे चर्चा कर रहे हैं। विवाद नहीं, ये जोड़ने की चीज है सबको। सर, हलाला पर बैन लग रहा है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्या कहना है इस बारे में? मुझसे मैं एक तो पॉलिटिकल चीजों पर बयान नहीं देना चाहूंगा, दूसरी बात ये है कि ये फिर सवाल जो है वो अपने आप में थोड़ा भ्रामक है। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो लोग जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए? एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज, तो उसको तो आपको सरकार को ही अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सके। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो, ये नहीं कहा जा रहा। हाँ, उस नाम से एक मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पे कोई पाबंदी लगा रहा है, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उसका व्यापारिक लाभ उठाने के लिए उस नाम का तो सरकार को नियंत्रण होना ही चाहिए। दुनिया में हर जगह पे वो संस्थाएं जिनका सर्टिफिकेट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में जाने वाला सामान है वो
कॉलोनी में नहीं, चूंकि वहां रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो संस्थाएं होती हैं जो ये करती हैं वो सरकार से अप्रूव्ड होती हैं, यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं है। एक चीज ये बताएंगे, जो मौजूदा राजनीतिक दौर है उसमें अभी एक नई चीजें सामने आ रही है कि जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ राज्यपालों के कामकाज पर सवाल। आपकी उम्र कितनी है? 52। ये नई चीज है? इतने पहले जजमेंट आ चुके सुप्रीम कोर्ट के, सरकारें पंजाब सन 57 में इलेक्टेड गवर्नमेंट केरला की डिसमिस की गई थी, मेजोरिटी थी। आप पत्रकार हैं तो आपको इतिहास का पता होना चाहिए। अगर आपको इतिहास का पता नहीं है तो फिर आप सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। 67 में बनने वाली सरकारों को ज्यादातर को डिसमिस किया गया था। आप ये नई कैसे कह रहे हैं? वो मई जो लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो किस वर्ष का? नया क्या है? मत भूलिए कि भारत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से इकाई रहा है हमेशा से, लेकिन राजनीतिक तौर से बटा हुआ रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात साफ थी कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता भी है और आध्यात्मिक एकता भी है, लेकिन फिसी पेरस टेंडेंसीज वो राजनीतिक तौर से उस तरह सोचने वाले लोग कि कानून तो संविधान भी साल दो साल में बन गया था, डेढ़ साल में, लेकिन आदतें डेढ़ साल में नहीं बनती। आदतें बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है। राज्यों में चुनी हुई सरकारें, राज्यपाल की जरूरत ही क्या है, लेकिन संविधान सभा की जरूरत है, क्योंकि फिसी पेरस टेंडेंसीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, केंद्र को कमजोर करने की कोशिश करने वाली जो हमारी आदतें हैं वो हजारों साल पुरानी, और अब हम ये रिस्क उसके नतीजे में अपने मामले अपनी आजादी खोई, उसके नतीजे में हमें गुलाम रहना पड़ा। अब हम ऐसी किसी प्रवृत्ति को जो हमारी केवल एकता नहीं हमारी केंद्रीयता को कमजोर करने वाली हो उसकी पे नजर रखने के लिए राज्य में कोई होना चाहिए। सर, लगातार राजनीतिक माहौल में बदलाव आ रहा है, बदजुबानी चल रही है सर, तो क्या होना चाहिए? किस तरह से जब राजनेता बात कर जाए, सदन की बात हो या बाहर की हो सर, तो पूरी डर्टी स्पीच की बात आ रही है सर, क्या बताऊं? हेट स्पीच, डर्टी स्पीच नहीं, हेट स्पीच। दुनिया में मैं छोटा सा क्लिप, अभी की बात है, बहुत छोटा सा, मैंने सबसे पहले अपने बेटे को भेजा। एक जैन मुनि से किसी ने सवाल किया और फिर बहुत अपने मित्रों को भेजा मैंने वो। एक जैन मुनि से किसी ने सवाल किया कि महाराज कभी कभी लोग ऐसे, वो हमारे यहाँ इतनी किताबें हैं कि जिसको भारत के इतिहास में धर्मराज का नाम दिया गया वो भी निर्मित हो गए, और भीष्म किताबें से कहने लगे कि इतनी किताबें हैं, इतनी व्याख्याएं हैं, इतनी राय है, इसको मानू किसको नहीं मानू। तो भीष्म पितामह के जवाब से युधिष्ठिर संतुष्ट हुए या नहीं हुए मुझे पता नहीं, लेकिन सारी किताबों के संकलन करता महामुनि वेद व्यास, उन्होंने दो लाइनों में ऐसा जवाब दिया है जो पूरे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का निचोड़ है। उनका सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनं ध्रुवं परोपकारस्तु पुण्याय पापाय कर्तव्यं। सारी किताबों का और सारी शिक्षा का और सारे अवतारों की शिक्षाओं का एक ही निचोड़ है। और उन्होंने इतनी जिस किताब को देख लिया
और ये आज कह रहे हैं कि मैंने तैयार की है, लेकिन इसका सार को मैं बता रहा हूं, दूसरे का भला करोगे तो ये पुण्य है और दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो ये पाप। इसी अभिप्राय के साथ एक फारसी कविता है, मेरा दिल चाहता है सुना दूंगा। मुबाश डर पड़े आजाद हर चिपाही कुन के डर शरीयत मां मेरे अभी गुनाह नहीं। तुम्हारा जिंदगी में जो भी चाहे वो करो, हर चीज जायज है, पर हमारे व्यवस्था में एक ही चीज नाजायज है, वो है दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। ये धर्म का मर्म है, ये सार है, और भारत का सबसे बड़ा आदर्श, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत में इतने महापुरुष हुए हैं, हर ये है कि जो वेदों के वेदों जिन ऋषियों का नाम वेदों से जुड़ा हुआ है, वेदों को अपौरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये हमारी खोज है, हमारी उत्पत्ति है। उन्होंने सिर्फ सालों जीवन भर तपस्या करी और प्रकृति के वो सिद्धांत जो सनातन है, जो बदलते नहीं वक्त के साथ, उन सिद्धांतों को तलाश किया। और कभी कोई शंकराचार्य ने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरा मौलिक विचार, उन्होंने कहा ये मौलिक विचार तो ये तो प्रकृति में है, हमने तो केवल ढूंढा है। और इसीलिए भारत का जो सबसे बड़ा आदर्श है, मुझे उम्मीद करता हूं कि यहां बहुत 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 बड़े बड़े संत मौजूद हैं, अगर कोई गलती करूं तो वो उसको दुरुस्त कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा आदर्श, जैसे व्यास ने बताया कि ये धर्म का मर्म है, इसी तरह भारत का सबसे बड़ा आदर्श, सनातन आदर्श, एक आत्मता है, सार्वभौमिक एक आत्मता। हमारे सारे अवतार जो आए हैं उन्होंने एक आत्मता स्थापित करने के लिए अपने आप को लगाया। एक आत्मता किसे कहते हैं? एक आत्मता दुनिया में कितनी संस्कृतियां हैं, इसे आलोचना मत समझिएगा। हर किसी को अपने अपने तरीके से विकसित करने का अपने आप को अधिकार, लेकिन हम चीजों को समझने के लिए कभी कभी तुलना करते हैं, इसके लिए नहीं कि दूसरा कम है और हम अच्छे हैं। तो दुनिया में आप नजर डालिए तो संस्कृतियों का आधार क्या होगा? इंसान अकेला जिंदगी नहीं बिता सकता, उसे समाज चाहिए। समाज हमारी और तुम्हारी काल का रंग गोरा है, वंश लिंग के आधार पर हमारी एकता बननी चाहिए। हम और तुम एक भाषा बोलते हैं, उसके आधार पर एकता बन सकती है। हमारी तुम्हारी आस्था जो है, उसकी जो परंपरा है, वो एक है, और हम एक तरीके से उस आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, ये हमारी एकता का आधार। भारत के मनीषियों ने इसमें से किसी को नहीं माना। क्यों नहीं माना? नहीं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं माना, बस उन्होंने नहीं माना। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर काल के रंग को आधार बनाओगे, अगर धार्मिक आस्था को आधार बनाओगे या आस्था की परंपरा को आधार बनाओगे, अगर भाषा को आधार बनाओगे, तो उस समूह में बहुत से लोग बाहर रह जाएंगे,
तो वहां सब कोई एक भाषा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलो श्लोक ही है, भाषा नहीं है, हजारों साल पुराना भारतीय शिव स्त्री पुरुषों नाना बनना प्रकृति थे नाना देव अर्चनी युक्ता नाना कर्माणी पूर्व थे। तो फिर कभी क्या हो आधार, उनका आधार केवल एक है और वो है आत्मा। भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। आत्मा का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में लोकतंत्र है, 75वां साल हमने मनाया, हमसे पुराने लोकतंत्र हैं दुनिया में। वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार लेने के लिए 50 साल संघर्ष करना पड़ा। भारत आजाद हुआ 1947 में 17% साक्षरता थी, लेकिन महिला पुरुष दोनों को बराबर का वोटिंग राइट दिया गया, हर किसी को बराबर का दिया गया। हम कहें कि हमारे नेता ज्यादा अच्छे थे, दूसरे बोले थे, नहीं, मानव की पृथ्वी ज्यादातर एक जैसी होती है। फिर अंतर क्या है, उन्होंने क्यों दिया, हमारे कारण क्यों दिया, संस्कृति का अंतर उस